और कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नन गेमिंग और एक नन फनी मोमेंट वीडियो में। तो या आज मैं एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पे वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि हाउ टू डाउनलोड GTA 5 या फिर हाउ टू गेट GTA 5, और ये बहुत लोगों ने ये भी पूछा था कि भाई ये कौन सा गेम है एंड मुझे भी खेलना है। तो सारी चीज़ों का आज मैं जवाब देने वाला हूँ, जितना भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक एक करके। एंड उससे पहले 80 के सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओके चलो अब मैं बताता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले बहुत से लोगों को डाउट रहता है, तो ये है GTA 5, जिसकी मैं बेसिकली फनी मोमेंट वीडियोस बनाता हूँ टेक्नो गेमर की, ठीक है। और मुझे पता नहीं था, तो इट्स अ कॉमन क्वेश्चन। GTA 5 के बारे में मुझे बस इतना पता था कि बहुत बड़ा गेम है, जब मैं पहली बार इसे 2017 में खेला था। एंड या ये एक मोबाइल गेम नहीं है, तो काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या मैं इसे मोबाइल में खेल सकता हूँ। तो यार प्रेजेंटली तो नहीं, इन फ्यूचर में भी यस, बाय द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड क्लाउड गेमिंग। बट या ये करेंटली उतना यूज़ पे नहीं है। और एक बंदे ने ये भी कहा था कि प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा, तो ब्रो ये नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स नॉट अ मोबाइल गेम, इट्स अ पीसी गेम। एंड बहुत लोगों को पीसी में भी ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में खोज रहे होंगे, तो वो नहीं मिलेगा वहाँ पे। एंड काफ़ी सारे लोग का भी ये भी डाउट है कि क्या अपने पीसी के स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए ताकि हम उस गेम को रन कर पाएँ। तो सब कुछ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार आपको गूगल पे चले आना है एंड यहाँ पे सर्च करना है एपिक गेम्स। तो यहीं पे वो GTA 5 जो है मिलता है। मुझे भी बहुत पहले ऐसा पता नहीं था, वो जब मैं टेक्नो गेमर की वीडियो देखने लगा तब मुझे ये सब नॉलेज हुआ। तो यस, आपको आ जाना है सबसे पहले गूगल पे एंड सर्च करना है एपिक गेम्स। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट जो होगी उस पर चले जाना है, वो है एपिक गेम्स की ऑफिशियल वेबसाइट। ओके तो यहाँ पे ओपन हो रहा है एंड आपको ओपन होते ही कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड दिस इज़ द मेन एपिक गेम स्टोर कह सकते हो। यहाँ पे सिर्फ GTA 5 नहीं, बाकी जितने पॉपुलर पीसी गेम्स हैं जैसे कि टॉर्च नाइट हो गया, फॉर्टनाइट हो गया एंड ट्रैक मेनिया हो गया, ये सारे गेम्स मिलते हैं। आज से 2 साल पहले मैंने वीडियो बना रखा था। खैर एनीवेज, देखो अगर आप नीचे आओगे तो इसमें डायरेक्टली आपको GTA 5 दिख ही जाएगा, क्योंकि या ये ऑफकोर्स एक बहुत पॉपुलर गेम है। एंड या यहाँ पे अभी 50% का जो है डिस्काउंट लगा हुआ है, तो आपको पूरा गेम जो है वो आधे प्राइस पे मिल रहा है। एंड अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से आप इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हो। डायरेक्टली आपको ऊपर एक सर्च बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको जाना है एंड GTA 5 भी लिख देना चलेगा। मैं पूरा ग्रैंड थेफ्ट ऑटो लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ऐसे मतलब देखने में ईजी हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे GTA 5 भी डायरेक्टली लिख लेना एंड आपको वो तुरंत दिख जाएगा। एंड या जैसे कि आप देख सकते हो कि GTA 5 खुल चुका है हमारा एंड यहाँ पे आपको प्राइस जो है बहुत इजीली इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके दिखाया जा रहा है, जो कि है अबाउट 2000 का, मतलब 2321 रुपीस। बट विद द 50% डिस्काउंट ये एकदम प्राइस जो है वो बिल्कुल आधा हो गया है। एंड यहाँ पे आप नीचे आकर देख सकते हो कि इसमें क्या क्या रेटिंग्स वगैरह मिले हुए हैं। एंड मेन थिंग इज देयर, मैं जैसे कि आपको बताना चाहता था, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसका फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस बता देता हूँ। ये है 1160 रुपीस, मतलब मान के चलो 1200 तक का ये आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे रेटिंग वगैरह तो ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पे और देख लो यार कि ये पीसी के स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिमम एंड रिकमेंडेड आपको यहाँ पे दिख जाता है, प्रोसेसर भी दिख जाता है एंड आपको साथ ही साथ यहाँ पे रैम भी दिख जाता है। तो अगर आपके पास 4GB रैम वाला कोई पीसी या फिर लैपटॉप है तो वो ईजिली रन कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड विंडोज़ आप देख सकते हो कि 10 हो, 64 बिट हो या फिर विंडोज़ 8.1 हो, ये चल जाएगा इजीली। एंड अभी करेंटली मैक्स टू मैक्स लोगों के पास विंडोज़ 10 तो है ही। एंड या लास्ट थिंग यार, आपके SSD में स्पेस होना चाहिए अबाउट 90GB का, क्योंकि गेम ही यार आपको अगर डाउनलोड करोगे तो 100GB प्लस का मिल जाएगा, अबाउट 110GB का यह पूरा गेम आएगा। तो या थोड़ा सा आपके पास स्पेस होना चाहिए अपने हार्ड ड्राइव पर। तो आओ यार अब देखते हैं फटाफट इसे कैसे खरीदना है। ये बड़े वाले ग्रीन बटन बाय नाउ पे क्लिक करो एंड इसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना लॉगिन कर लो अकाउंट, जो अकाउंट चाहते हो यार, बाय गूगल भी कर सकते हो एंड अगर कोई बाकी अकाउंट्स भी है, फेसबुक वगैरह या फिर एपिक गेम्स की अपनी अकाउंट है तो एक्सबॉक्स वगैरह कुछ भी कर सकते हो। ओके तो मैंने भी अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है एंड एक मिनट यहाँ पे लोडिंग हो रहा है थोड़ा सा। एंड इसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो रेडी होके मतलब आ जाएगा यहाँ पे, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये पेज जो खुल रहा है इस पे आपको अपने ऑर्डर का सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेना है इनके टर्म्स एंड कंडीशन को। तो यहाँ पे एक टिक मार्क लगाओ एंड एक्सेप्ट कर दो एंड उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे फिर से लोडिंग हो रहा है एंड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको पेमेंट मेथड दे दिया जाता है
या तो आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो या फिर पेपैल से कर सकते हो। आपको पूरा डिटेल्ड प्राइस दिखा दिया जाता है कि कितने का था एंड कितने में मतलब आपको डिस्काउंट मिलकर टोटल हो रहा है। ओके गाइस, तो यार आई होप कि आपके सारे GTA 5 के रिगार्डिंग जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हों एंड मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता दी है कि आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं यार एक मेन चीज़ के बारे में जो है हाउ टू गेट GTA 5 फॉर फ्री। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यूट्यूब ओपन करो एंड यहाँ पे सर्च कर दो इस बात को एंड आपको कुछ वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो कि बता रखा है उन्होंने कि किस तरीके से आप GTA 5 को फ्री पे डाउनलोड कर सकते हो, खेल सकते हो एंड या बट देखो यार मेन चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँ कि आप क्रैक वर्जन डाउनलोड करो क्योंकि उसमें वायरस होता है। और जिस बंदे का ऑलरेडी चैनल हैक हो चुका हुआ कतई रिकमेंड नहीं करे कि आप क्रैक वर्जन डाउनलोड करो, पर अगर आप फिर भी करते हो तो मेक श्योर कि आपके पीसी में एंटीवायरस जरूर से जरूर हो क्योंकि क्रैक वर्जन में वायरस तो होता ही है। तो यार मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे परचेज कर लो ऑफिशियली एंड या आप कह सकते हो कि क्या तुम्हें पैसे देगा जो हमें परचेज करने को कह रहा है। देखो यार मैं समझता हूँ कि अगर अभी आप बोलोगे 1000 रुपीज़ अपने पेरेंट्स से कि मुझे गेम खरीदना है तो वो कतई नहीं मानेंगे। हाँ अगर आप बोलोगे मुझे किताब चाहिए तो मान सकते हैं। तो यार इसका तो मेरे पास कोई दमदार सॉल्यूशन नहीं है, मैंने काफ़ी सोचा, बट एक चीज़ आप कर सकते हो कि अगर आप 2-3 दोस्त या फिर 4-5 दोस्त अगर थोड़ा थोड़ा या यू नो कलेक्टिवली खरीदते हो, अगर 200 मिला के तो ईजिली आप 6 दोस्त मिलकर उसे खरीद सकते हो क्योंकि ये ऑफिशियल है तो आपको पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे ऑफकोर्स। एंड या एक चीज़ और, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ, मत सोचना कि एपिक गेम से पैसे खा के आए हैं एंड हमें परचेज करने को कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं यार। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आपके कंप्यूटर पर वायरस वगैरह ना जाए, बस दैट्स ऑल। तो या अगर आप 5-6 दोस्त पैसे कलेक्ट करके इसे खरीदते हो तो आप इजीली आईडी शेयर करके सारे दोस्त खेल सकते हो, इससे अच्छा अभी तक मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला। और हाँ अगर आपके पास कोई दमदार आइडिया हो तो या आप कमेंट कर देना ताकि बाकी लोग पढ़ सकें। आई होप कि आपके पास कोई दमदार आइडिया ज़रूर हो एंड या आई होप कि आपको आज के वीडियो में कुछ यूज़फुल जानकारी मिली होगी GTA 5 के रिगार्डिंग एंड ठीक है आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।